पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखला दो। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। बोलिए, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कह जू तो ये आदेश और एक आज्ञा है, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार फैलाना एक काम करना चाहिए। आप में बच्चा लोग हो सकता हूँ, बड़ा लोग हो सकता हूँ, लेकिन सुसमाचार फैलाना मतलब ये नहीं है कि सब लोग माइक लेके काम करना। सब लोगों को अपनी काम का जगह पर, अपना जीवन जगह पर सुसमाचार होना हो सकता है। अभी माँ बाप बच्चों को लेके वहाँ पर सुसमाचार कर सकता है, वो बच्चों को सुसमाचार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अभी समझो कि बच्चा को हम लोग स्कूल में भेजता है तो ये कागज़ देके बोलो, देखो ये वजन तुम लिख के ले लो और जाते वक्त तुम दोहराते रहना, है ना, एक वचन एक छोटा सा कागज़ में। मैं ये करता था, मैं जब नौकरी करता तभी ऐसे एक कागज़ में जो सुबह एक वजन लिखेगा और पढ़ेगा और पॉकेट में रखेगा और बस चढ़ाने से वो देखेगा पॉकेट में रखेगा, फिर रेलगाड़ी में और ऑफिस में जाके वो मैं ये ऑफिस में रखेगा, तब दूसरे लोग आके देखेगा ये क्या रखा है यहाँ पर लिखे, हाँ ये तो ये है, ईश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, ऐसा जो कुछ भी वचन। और क्या होगा, ये बच्चा ये पढ़ते हुए स्कूल में जाने से वो दूसरे से बातचीत करने में ये बात निकलता है। एक दिन एक बस स्टैंड में एक प्रोफेसर बस के लिए खड़े थे, बस के लिए, तब एक औरत आते हैं, वो प्रोफेसर से बोला, प्रणाम किया, तब प्रोफेसर ने बोला मुझे याद नहीं है तुम कौन सा क्लास में कौन सा ग्रेड में पढ़ा है, तो वो औरत कहा कि नहीं आप मुझे पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे मेरा जिंदगी में एक घटना आपके साथ हुआ है। वो तो ग्रेजुएशन का परीक्षा लिख रहा था और ये जो प्रोफेसर इंस्पेक्टर था वो पालन करने का था, वो वहाँ पर ड्यूटी था, और ये लड़की थोड़ा सा दूसरा का कॉपी किया, उसको पकड़ा गया तो उनको बाहर निकाल सकता, लेकिन ये प्रोफेसर आके इनका कौन है थोड़ा सा चुप रहना, हेलो उनको चुप रहने बोलो, आप चुप रहना वहाँ पर, नहीं सुना, आप लोग चुप रहिए। थोड़ा माफ करना, आपका बात करने से यहाँ पर मुझे आइडिया नहीं मिलता है। देखिए क्या हुआ है, ये प्रोफेसर आके ये लड़की का कान में बोला, अगर तुम छोटी चीज में ईमानदार होगा तो तुम बड़ा चीज में भी ईमानदार होगा, और चले गया। और ये बात वो जो लड़की उनका हृदय पर ऐसा बैठा, और वो सोचा था कि इनको बाहर निकालेगा, लेकिन वो कुछ नहीं किया, उनके अलावा प्रभु ईसा मसीह का एक वचन दिया, तुम छोटी चीज पर ईमानदार बनेगा तो
तुम बड़े चीज पर भी इनामदार होगा. इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स यू विल बी फेथफुल इन ग्रेटर थिंग्स. और अभी बोलता है कि प्रोफेसर जी मैं ये जो नेशनलाइज्ड बैंक का चीफ मैनेजर और ये जो वचन मेरा जिंदगी को इतना अनुग्रह दिया, आप मेरे ऑफिस में आएगा तो मेरे ऑफिस का पीछे जैसा यह वचन लिखा है ऐसा उधर मैं लिख के रखा है, जो छोटी बात में ईमानदार होगा वो बड़ी बात में भी ईमानदार होगा. और जो मेरा ऑफिस में काम के लिए आता है वो सब लोगों पढ़ता है, उन सब लोग उसका आशीष ग्रहण करता है. ये तो सुसमाचार है कि नहीं? ये अच्छा सुसमाचार है ना. तो हमारे जीवन पर रोज कुछ न कुछ सुसमाचार का काम करना होना चाहिए. जैसे कि आप यहाँ जाने के बाद आपका अड़ोस पड़ोस में जाकर यहाँ से क्या खबर मिला है, क्या यहाँ सीखा है, ये सब उन लोगों को बता सकता है और उन लोगों को अगुवाई दे सकता है कि यहाँ का दूसरा बिंदी उपवास कब होता है, यहाँ का खबर उन लोगों को दे के यहाँ पर यानी कि उन लोगों को लेके भी आ सकता है. यहाँ पर जैसे चार लोग मिलकर एक अर्धांग रोगी को लेके गया, जैसे आपका अड़ोस पड़ोस को लोगों को यहाँ पर लेके आए के छोड़ना और आप चले जाओ, लेकिन उनको ये जगह दिखाओ यहाँ पर लेके आओ और ये आश्रम के लिए आप मदद करो. सुसमाचार का फैलाने में बहुत फायदा होगा. जैसे फादर ने मैथ्यू नाई कैंपरबेल का बोलता था ना, मैथ्यू नाई कैंपर वो हमारा बहुत बड़ा गुरु है. वो मैथ्यू नाई कैंपरबेल का एक छोटा सा किताब था रक्षा का संदेश करके बहुत पहले, शायद अभी भी होगा, उसको छपा के इधर रख सकता है, मैं फादर के बोलेगा. और मैं मेरे शुरुआत में एक ऐसा बिंदी वास में मैं था तो बहुत बड़ा कन्वेंशन था, तो उन लोगों को लोग ये बेचता है रक्षा का संदेश एक रुपया, रक्षा का संदेश एक रुपया, रक्षा का संदेश एक रुपया करके बेचता है. तो मुझे एक आइडिया आया, ये तो मैं कुछ ज़्यादा लेकर मैं जब उत्तर भारत में मैं कटनी जबलपुर में जाएगा तो एक एक घर में जाके दे देगा. तो ये बोला एक साव दे दो साव. तो उनको भी समझ में आया ये साव लेके क्या करेगा. मेरा पत्नी भी पूछे ये साव लेके तुम क्या करेगा. मुझे काम है ये लेके, मैं हिंदी का लेके मैं जबलपुर जाएगा तो घर घर में नहीं जाके दे देगा. ऐसा मैं चालू किया और सौ किताब मैं खरीदा और मैं जबलपुर गया तो लेके गया और शाम का समय पर मैं एक साइकिल में गांव में जाएगा एक एक घर में जाकर मैं ये देने चालू किया. ऐसा ये घटना हुआ, मैं ये बताया नहीं लगता है, बताया तो दोबारा बताता है. ऐसा एक घर में मैं गया तो उन लोग पूछा आप कहाँ से आया. मैं बॉम्बे से आया. आपका नाम क्या है. थॉमस पॉल है. आप क्रिश्चियन है. हाँ हाँ. आप वो क्रिस्त के बारे में हमें बताएगा क्या. वाह वाह वाह. उन लोग हिंदू लोग था तो मैंने बताने चालू किया. तब उसका घर में एक बच्चा बहुत रोने लगा, ऐसे रोने लगा. तो वो बोला देखो मेरा बच्चा बहुत बीमार है और बहुत डॉक्टर लोग के पास लेके गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, पता नहीं क्या करेगा. तब मुझे प्रभु ने इशारा दिया देखो इसके लिए तुमको इधर लाया है. तब मैंने बोला देखो अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो ये आपका बच्चा को अभी चंगा ही होगा. ये हो सकता क्या. जरूर हो सकता. प्रभु यीशु सबों का प्रभु है. ऐसा नहीं प्रभु यीशु ईसाइयों का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है. प्रभु यीशु सब इंसान को आशीष देता है. आप वो बच्चा को लाइए इधर. वो तो बहुत रोता है. वो लेके आया ऐसा किस तरह. और मैं बोला देखो आप इतना विश्वास करो प्रभु यीशु सबों का प्रभु है. वो प्रभु यीशु ईश्वर है और वो मनुष्य बनकर हमें
हमें हमें उद्धार करने के लिए आया है, ये आप विश्वास कर सकता है क्या? अभी आप बोला तो हम लोग सुना है इसलिए विश्वास करता है। अच्छा ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ, तो हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। धर्म ग्रंथ में सुसमाचार में ये लिखा है, अगर तुम विश्वास है, अगर जो विश्वास करता है उसके साथ ये चिन्ह दिया जाएगा, वो रोगियों पर हाथ रखेगा तो वो चंगाई होगा। तो मैं ये वचन उनसे बताया, और ये बच्चा तो रोते रहता है, तो मैंने किया, प्रभु ये देखो कितना ये बच्चा रो रहे हैं, इसको जरूर बहुत बीमारी है, उसको पेट में दर्द है, बहुत पेट में बीमारी है, दवाई कुछ भी देने से असर नहीं पड़ता है। मैं प्रभु यीशु के नाम से इसको हाथ लगा के चंगाई के लिए प्रार्थना, मैं उसको ऊपर हाथ लगा ठक करके वो शॉक लग गया, ऐसा हो गया और वो एकदम चुप हो गया, उनका रोना तुरंत बंद हो गया। प्रभु को धन्यवाद। और वो आंगूल के प्रेम से खुशी से मुझे और सबों को देखने लगा। तो सोचो ये माँ बाप का अभी क्या अवस्था है, उन लोग प्रभु को धन्यवाद दिया, लेकिन उस जमाना में मुझे इतना विश्वास नहीं था। मैं सोचा मैं जाने के बाद वो फिर बीमार हो जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा देखो ये दवाई सब देता तो 2-3 दिन देना पड़ता है, इसलिए कल और एक बार आके प्रार्थना करेगा। लेकिन वो प्रभु का एक योजना था, तो लोग बोला ठीक है आप आइए, कल भी हमारे घर आइए। अच्छा, और दूसरा दिन उधर गया तो करीब 50-60 लोगों को, रोगियों को वहां पर खड़ा रखा है। बाप रे बाप, एक चीज से मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे डर भी लगा। देखो अभी पल्ली पुरोहित को मैं बोला नहीं है, वो जानेगा तो क्या होगा, लेकिन मैं तो उन सबों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना सब करने के बाद उस दिन शाम को मैं पल्ली पुरोहित के पास जाके बोला, देखो वो गांव में मैं ऐसा गया, ऐसा ऐसा हुआ है, अभी ये सब हुआ है, वो गांव में तुम प्रभु को कुछ, अरे हम लोग गांव जाने के लिए डरता था। देखो उस गांव में प्रभु हमें लेके गया। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा चीज अपने पास होना चाहिए, छोटा किताब, यहाँ का किताब नहीं तो कुछ, और वो लेकर आप दूसरे के पास जा सकता है और पहले उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। हे प्रभु, मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु आज, उस जमाने में मैं ये प्रार्थना करता, कम से कम एक व्यक्ति से व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार फैलाने में जो उपयोग करो, ये प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपका आज्ञा अनुसार मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए और मुझे इस्तेमाल कीजिए, आपका राज के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, जोर से तालियां बजाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे अभी हम आराधना चालू करेगा और अभिषेक प्रार्थना के लिए तैयार होगा। ओके, एक मिनट, आप बोलिए। हाँ देखो आ गया, जो हम बोला ना, जो एक कागज और एक चीज आपके पास होना चाहिए, एक पांच देते, यही करना चाहिए। ज्ञान पढ़े रक्षा का संदेश पुस्तक अब नल सहनोदे। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर जी अच्छी तरह बोला, मैं सुना।